हेलो मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम आईलिड सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं तो काफी लोग हमारे पास आते हैं जिनको अपर आईलिड या लोअर आईलिड सर्जरी की जरूरत होती है और 50 परसेंट लोग बोलते हैं कि हम सर्जरी लोकल एनस्थीजिया में करवाना चाहते हैं यानी कि सुन करके करवाना चाहते हैं और 50 प्रतिशत लोग बोलते हैं कि हम सोना प्रेफर करेंगे कि हमें कुछ भी पता ना लगे कि सर्जरी कैसे हो रही है और क्या हो रहा है और हम उसके बाद अवेक होकर घर जा सकें तो इस क्वेश्चन का आंसर है येस एंड नो यानी कि हाँ आईलिट सर्जरी लोकल एनस्थीजिया में की जा सकती है और नहीं कुछ लोगों के केसेस में आईलिट सर्जरी को जनरल एनस्थीजिया में ही करना प्रेफरेबल होता है अब अगर हम अपर एनड सर्जरी की बात करेंगे तो 99% केसेस हम लोकल एनिस्थीजिया में ही करते हैं यानी कि सुन करके आपके इस एरिया को नम करके ये सर्जरी करते हैं करने में अराउंड 30-40 मिनट्स लगते हैं और उसकी इमिजिएटली आफ्टर आप घर जा सकते हैं लोकल एनस्थीजिया में करने का ये फ़ायदा है कि आपको रुकना नहीं पड़ता आपके लिए कोई ऑब्जर्वेशन टाइम ज़्यादा लंबा नहीं होता जनरल एनस्थीजिया की कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स जैसे कि नोज़िया वॉमिटिंग सर में दर्द या चक्कर आना ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती और पेशेंट कंफर्टेबली सेम डे ही कुछ घंटों बाद घर जा सकता है लेकिन अगर हम लोअर आईलिड सर्जरी की बात करते हैं जिस केस ने हमें आपके अंडर आई के बैग्स को रिमूव करना है तो इस सर्जरी को हम लोग जनरल एनास्टिजा में प्रेफ़र करते हैं करना उसका रीज़न ये है कि जब हम लोअर आईलिड सर्जरी में बैग्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लोगों को पेन या डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होता है चाहे हम कितना भी सुन कर लें कई लोगों को ये पर्टिकुलर एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है जिसकी वजह से वो लोग लोकल एनस्थीजिया में प्रोसीजर नहीं करवा पाते इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि ओल्डर पेशेंट्स या मेल पेशेंट्स में हमने देखा गया है कि उनकी पेन टॉलरेंस कम होती है जिसकी वजह से लोकल एनस्थीजिया उनके लिए कोऑपरेटिव या कम्फर्टेबल नहीं रहता इसलिए हमारे सेंटर प्रेफरेबल होता है कि हम अपर एलेट सर्जरी चाहे लोकल एनस्थीजिया में करें लेकिन लोअर एलेट सर्जरी के लिए हम जनरल एनस्थीजिया देते हैं यही जनरल एनस्थीजिया शॉर्ट जीए होता है यानी कि आधे घंटे या एक घंटे का जनरल एनस्थीजिया होता है इसमें हम पूरा नहीं सुलाते पेशेंट को बस एक सेडेशन करके आपको कंफर्टेबल और डीप स्लीप में कर देते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोसीजर की कोई भी प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होती यही अगर हम दोनों सर्जरीज कंबाइन कर रहे हैं यानी कि अपर आइलिट और लोअर आइलिट सर्जरी दोनों को साथ में किया जा रहा है तो हम श्योरली जनरल एनस्थीजिया ही देते हैं रीजन बीइंग कि इतने बड़े एरिया में चारों आइलेट्स में लोकल एनस्थीजिया में करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है अगर हम अपर आइलेट सर्जरी को आईब्रो लिफ्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं उस केस में भी हम जनरल एनस्थीजिया ही प्रेफर करते हैं क्योंकि आईब्रो लिफ्ट लोकल एनस्थीजिया में इतना ईजीली नहीं किया जा सकता लेकिन रेस्ट एंड दोनों ही प्रोसीजर्स लोकल एनस्थीजिया में हो चाहे जनरल एनस्थीजिया में हो बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्विक रिकवरी होती है और चाहे आप चारों आइलेट्स करा रहे हैं ब्रोलिफ्ट करवा रहे हैं या सिर्फ आइलेट सर्जरी करा रहे हैं सारे केसेस में एक डे केयर प्रोसीजर रहता है और उसी दिन दोपहर या शाम तक आप कंफर्टेबली घर जा सकते हैं थैंक यू